फ्रेंड्स, कैसे हो? टुडे वी डिस्कस अबाउट प्रिपरेशन ऑफ टेरिलिन और डेक्रॉन। तो टेरिलिन पॉलीमर की प्रिपरेशन फर्स्ट ऑफ देखते हैं। तो बच्चों, टेरिलिन पॉलीमर में टू मोनोमर्स यूज होते हैं, फर्स्ट इथिलिन ग्लाइकॉल एंड सेकेंड मोनोमर इज टेरेप्थेलिक एसिड। ये दो मोनोमर्स यहां पे रिएक्शन करेंगे और आपको मिलेगा टेरिलिन। टेरिलिन इज द पॉलीएस्टर पॉलीमर। फर्स्ट ऑफ व्हाट इज इथिलिन ग्लाइकॉल? तो सेकेंड नेम ऑफ इथिलिन ग्लाइकॉल इज इथेन 1,2-diol। तो फर्स्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इथेन 1,2-diol CH2 CH2OH एंड OH एन टाइम प्लस। सेकेंड मोनोमर इज टेरेप्थेलिक एसिड। सेकेंड IUPAC नेम ऑफ दिस एसिड बेंजीन 1,4-dicarboxylic एसिड। बेंजीन 1,4-dicarboxylic एसिड, बेंजीन 1,2,3,4, 1 and 4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड COOH एंड COOH, इनको भी लिया एन टाइम्स। टू डिफरेंट मोनोमर्स, फर्स्ट विच इज इथिलिन ग्लाइकॉल, एंड सेकेंड विच इज टेरेप्थेलिक एसिड। नाउ रिएक्शन, तो इन विच रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एंड OH, हाइड्रोजन एंड OH माइनस एन टाइम वाटर एंड द रिमेनिंग फॉर्मूला बॉन्ड ऑक्सीजन CH2 CH2, बॉन्ड ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, देन बेंजीन, देन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड ब्रेकेट एंड टाइम। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज टेरिलिन और डेक्रॉन। Now, this reaction occurs in what temperature? 420 to 460 Kelvin temperature. And one catalyst, the name of catalyst, write down here, zinc acetate antimony ट्रायऑक्साइड। तो बच्चों, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कौन सा कैटलिस्ट होता है टेरिलिन के प्रिपरेशन में, जिंक एसिटेट एंटीमनी ट्रायऑक्साइड। दो डिफरेंट मोनोमर्स, इथिलिन ग्लाइकॉल IUPAC नेम इथेन 1,2-diol एंड सेकेंड टेरेप्थेलिक एसिड IUPAC नेम बेंजीन 1,4-dicarboxylic एसिड। ये इनका स्ट्रक्चर हुआ। देन प्रॉपर्टीज, फर्स्ट ऑफ दिस इज फाइबर्स, so structure of terylene is linear. Second one, in this structure which functional group occurs? COOR. So this polymer is polyester polymer. ये एक polyester polymer है, thermoplastic polymer है, crease resistance इनके ऊपर करच लिया पड़ती नहीं है, crease resistance है। तो ये फोर प्रॉपर्टीज, पॉलीएस्टर, लीनियर, थर्मोप्लास्टिक, क्रेज रेजिस्टेंट। नाउ यूजेस, तो फर्स्ट यूज जो हेलमेट्स होते हैं उनके ग्लास, उसके प्रिपरेशन में ये पॉलीमर यूज होता है, ग्लास रेनफोर्सिंग मटेरियल इन सेफ्टी हेलमेट्स। सेकंड, क्लोथ इंडस्ट्री, क्लोथ इंडस्ट्री में भी ये फाइबर्स है तो इनका यूज होता है।
प्रिपरेशन ऑफ कॉटन एंड वूल फाइबर्स, तो कॉटन एंड वूल फाइबर्स के प्रिपरेशन में भी इनका यूज होता है। तो बच्चों ये था टेरिलिन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।